खतरे में। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी किसी के नहीं चुनते और भारत के हालात पाकिस्तान जैसे हैं। देखिए, विदेश में जाके देश को बदनाम करना ये उनका पहला शगल नहीं है। प्रारंभ से पूरी कांग्रेस इसी पद चिन्हों पर चलती है। जब कांग्रेस खतरे में होती है तो उन्हें संविधान खतरे में नजर आता है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देश को बदनाम करना छोड़ो। कर सकते हैं, फील्ड में तो जा नहीं सकते ना कोई भी भाई। 70 है, 74 है, 76 है, आप उम्र देखो ना तीनों की, कैसे जाएंगे इतनी लपट में 48 टेम्परेचर में। तो उस तरह से नहीं जोड़ना चाहिए जैसा उनके परिवार के लोगों ने बताया कि वो मंद बुद्धि थे और इसलिए भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। दिग्विजय सिंह जी जो है वो रतन लाल है, दे रहे टीआई को किसी ने इन्हीं को देख के मुहावरा बनाया हुआ, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये हिस्ट्री सेटरों की भाषा है, किसी विधायक को जनप्रतिनिधि को नहीं बोलना चाहिए। विपक्ष में हम भी रहे, ऐसा असंसदीय शब्द का प्रयोग कोई पूर्व मंत्री या कोई पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक या सांसद करे अच्छा नहीं। ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोगों ने जीरो कराया, उसके बाद जीरो होने के बाद कांग्रेस अपील में नहीं गई, अपील में भाजपा गई, शिवराज जी की सरकार गई और वो जीरो हटा के आई। क्या पिछड़ा वर्ग के लोग ये सोचते नहीं है? और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं।